मध्य प्रदेश में इन दिनों पत्र लिखने और सवाल पूछने का दौर चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय पत्र लिखकर जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और सरकार को घेरते हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का एक पत्र सामने आया है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लिखा है, जिसमें दिग्विजय ने अपने पत्र में नियुक्तियों को लेकर अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय की बात कही है। इस देश प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लोगों को सन 1996 में पेसा कानून लागू किया गया था। पेसा कानून वो है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विकास खंडों में लागू करने का अधिनियम है, संविधान। और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां मुख्यमंत्री थे कांग्रेस राज में, जिसने पैसा को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए कमेटी बनाई थी और ग्राम स्वराज का कानून बनाया था। लेकिन पूरे तरीके से आदिवासी लोगों का शोषण किया जा रहा है, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। अभी पैसा कानून लागू करने की घोषणा भाजपा ने 19 साल बाद उन्हें पैसा कानून याद आया और पैसा कानून के अंदर उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाने का निर्णय किया। लेकिन उसमें भी उन्होंने बड़ी चतुराई दिखाई कि जब विज्ञापन निकाला तो उसमें कहा कि इसमें टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और नियुक्तियां उनके क्वालिफिकेशन पे योग्यता के आधार पर की जाएगी। लेकिन उसको निरस्त करते ही उन्होंने भर्तियां जो उनके कार्यकर्ता थे उन लोगों की भर्तियां डायरेक्टली कर दी, जिसका कि घोर विरोध युवा आदिवासियों के द्वारा आज हो रहा है। इस तरह से पूरे तरीके से इन लोगों ने नियम कानून को ताक में रखकर छल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।